न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आज पूरा देश जहां कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन के इस दौर में वीर योद्धा देश की सेवा के साथ लोगों की सुरक्षा में जी जान से जुटे हैं और घरों में कैद लोगों को इस संकट से निकालने में लगे हुए हैं। इसी के साथ रेवाड़ी के वार्ड नंबर 30 स्थित आदर्श गली के नागरिकों ने न केवल पुलिस के जवानों, सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सैल्यूट किया, बल्कि उन्हें माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, वार्ड वासियों ने अपने घरों की छतों और बालकनी से इन कोरोना योद्धाओं पर जमकर पुष्प वर्षा करते हुए इनका जोरदार उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान महिलाओं का जोश देखने लायक था। लोगों का कहना था कि देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना योद्धाओं की बदौलत ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि ये लोग अपने जान की परवाह किए बिना बखूबी ड्यूटी कर रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरा देश इन लोगों के साथ दिल से खड़ा है। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुसुम लता है। कुसुम लता जी, ये बताइए, आज जिस तरह से आपने सफाई कर्मचारियों को और पुलिस वालों को सम्मानित किया है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आपका क्या दे रहा है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का और सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, क्योंकि इस वैश्विक महामारी जो कि हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, उन लोगों से जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जो बचाव कर रहे हैं, वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं। तो मैं इन लोगों को तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। हम इन लोगों की वजह से ही इस समय इस महामारी में सुरक्षित बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ कहीं ना कहीं हमारी सहायता कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हम अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इसके लिए मैं पुनः मेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और जो भी हमारे सैनिटाइजर वगैरह करने वाले कर्मचारी हैं, मैं उन सभी के दिल से आभारी हूँ। मैं कप्तान सिंह, और मैं आपको बताता हूँ, इस गली का नाम ही आदर्श गली है। इस गली मोहल्ले, इस कॉलोनी की सबसे साफ सुथरी और डिसिप्लिन गली है, और इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है हमारे सफाई कर्मचारी, अभी कोरोना के अंदर जो हमारे मेडिकल स्टाफ है इनका, और सभी तहे दिल से पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष में हमने जो आज अपना प्रोग्राम किया है कि ये पूरी साफ सफाई तरीके से हो और सबको उचित सम्मान मिले, उसके लिए हम इनको सम्मानित भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारी रेवाड़ी पुलिस का, जो हमेशा हमारे साथ तत्पर खड़ी रहती है किसी भी काम, किसी भी सहयोग के लिए। और फिर दोबारा से मैं इनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिसने हमको सहयोग किया। इधर इतना भारी सम्मान पाकर सफाई कर्मी भी गदगद हो गए। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि डर तो उन्हें भी लगता है, लेकिन देश से बढ़कर उनकी जान नहीं हो सकती। ऐसे में अगर सरकार आदेश करे तो हम 24 घंटे भी ड्यूटी करने को तैयार हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के लिए, मान सम्मान की बात है ये, और इससे अच्छा सफाई कर्मचारी को और कुछ नहीं मिल सकता। मेरी सभी रेवाड़ी वासियों से, मोहल्ला वासियों से एक अपील है, जैसे भी मान ले गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन के कानून के तहत हर मोहल्ला वासी को, हर नागरिक को, हर इंसान को एक घर में रहने के लिए बोला है, और उस लॉकडाउन का हमें बिल्कुल पालन करना चाहिए। किसी भी हमारा जो भी हमारा समाज है, बिल्कुल कानून के तहत उसका पालन करना चाहिए। नहीं जी, देखो, डर तो लगता है बिल्कुल, पर जो मान ले गवर्नमेंट ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, देश से बढ़कर हमारी जान नहीं है। हमारी जो ड्यूटी है, अगर गवर्नमेंट प्रशासन हमें ये कहे अगर 24 घंटा ड्यूटी आप लोगों ने करनी है, तो उसके लिए। वहीं दूसरी ओर इतना भारी सम्मान पाकर पुलिस कर्मियों का कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सही मायने में वे आज ही देश के लिए सेवा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर देश के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। अच्छा है, नगर निगम, नगर के हैं, मोहल्ले के वासी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कोरोना का वो चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, अपने घर में रहिए, खूब अच्छी तरह से जो जरूरी कार्य है तभी जाइए, नहीं तो घर अपना नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब दिखाते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता संजय कौशिक की ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं इस वक्त वार्ड नंबर 30 में,
और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जिस तरह आज यहाँ के लोगों ने सफाई कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट को सम्मानित किया है, और कहीं ना कहीं इस तरह की बात जब आती है तो उनका हौसला जरूर बढ़ता है, क्योंकि आज जिस तरह कोरोना महामारी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से अपना तांडव मचा रही है, उसको देखते हुए सफाई कर्मचारी और पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, और आज इस वार्ड के लोगों ने उनको सम्मानित किया है, तो कहीं ना कहीं इससे उनकी हौसला अफजाई हुई है। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।